खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक बक्सर। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड चर्च मार्केट बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। भगवती दुर्गा की नौ शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। नवरात्र के दूसरे दिन इन्हीं माता की आराधना का विधान है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। साधक यदि भगवती की इस स्वरूप की आराधना करता है तो उसमें तप करने की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्ष में वह विचलित नहीं होता है। ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसे सदैव विजय प्राप्त होती है। आज दूसरे दिन मंगलवार को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। माना यह भी जाता है कि देवी के दूसरे स्वरूप का यह संदेश यह भी है कि लक्ष्य प्राप्ति में संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। नवरात्रि में गंगा स्नान को लेकर सोमवार को रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। दरअसल यह स्थिति शहर के लगभग सभी प्रमुख घाटों पर देखने को मिला। इस दौरान मां के भक्तों ने पतित पावनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और मां भगवती की आराधना में श्रद्धा और विश्वास के साथ नौ दिनों की अनुष्ठान का संकल्प लिया। वहीं दूसरी ओर सामूहिक रूप से स्थापित किए जाने वाले पूजा पंडालों पर भी जल भरी कर कलश की स्थापना और कर विधिवत पूजा का कार्य किया गया। इससे पहले भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे और गंगा जल लिया। कल से ही कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर मां के भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और माहौल भी भक्तिमय बना हुआ है। घरों से लेकर मंदिरों तक पूजा पाठ का दौर चल रहा है और माँ को खुश करने के लिए हर कोई माँ की आराधना में लीन हो गया है। बक्सर पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर मुफसिल थाना अंतर्गत कृतपुरा गांव से पुलिस ने दो कुख्यात अंतर्राज्यीय अपराधियों के साथ तीन लोगों को धर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार दो अपराधी बेऊर जेल में बंद बक्सर के कुख्यात शेरू सिंह के इशारे पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बक्सर पहुंचे थे। इससे पहले कि अपराधी अपने मकसद में कामयाब होते, पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि हाजीपुर डीआईओ टीम की तरफ से सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बक्सर जिले में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के मकसद से पहुंचे हुए हैं। सूचना मिलते ही जिला के पुलिस एक्टिव हो गई और अपराधियों की टोह में छापेमारी शुरू की। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए अपराधियों के ऊपर हत्या और लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिसमें मुथू फाइनेंस में भी लूट की घटना शामिल है। खासकर वैशाली के हाजीपुर और समस्तीपुर के विभिन्न थानों में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वहीं बक्सर का एक स्थानीय व्यक्ति भी पकड़ा गया है, जिसके ऊपर भी दो मामले दर्ज हैं। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और इनकी कुंडली खंगालने में जुट गई है। ये जो अपराधी हैं अरशद आलम, रंजीत कुमार हैं, जो दोनों कुख्यात अपराधकर्मी हैं। ये अपराधकर्मियों का एक संगठित गिरोह है, जो सामान्यतः स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ लूट और मुथू फाइनेंस जैसे बड़ी कंपनियों में सोने चांदी का लूटपाट करते हैं। अभी तक इन लोगों के 12 आपराधिक घटनाओं का जो है कि अभी तक हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है। ये समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, इसके अलावे इंटर स्टेट जिला जैसे जयपुर की जगहों में इन लोगों ने घटना कारित किया है। सोमवार को मुरार पुलिस ने विभिन्न मामले में फरार चल रहे कुल 11 आरोपियों के घर पर न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार चस्पाते हुए अविलंब हाजिर होने की चेतावनी दी है, अन्यथा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
मुरार पुलिस के द्वारा फरार चल रहे आरोपितों के घर पर इश्तेहार चस्पाने के बाद न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने वालों में खलबली मची हुई है। मुरार थाना अध्यक्ष के मुताबिक फरार चल रहे दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामले में जिन आरोपियों के घर पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस के द्वारा इश्तेहार चस्पाया गया है उसमें स्थानीय थाना क्षेत्र के कोन्ही गाँव निवासी अनिता देवी एवं सुशीला देवी भी शामिल हैं, जो इसी वर्ष एक विवाहिता की हत्या के मामले में फरार चल रही हैं। दरअसल मृतका के परिजनों ने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है। एनडीपीएस से जुड़े मामले में सीबीआई की टीम ने सोमवार को सिमरी थाना के बलिहार गांव में छापेमारी की। वहां से धनजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। सूचना के अनुसार उससे पहले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहाँ से अनुमति मिलने के बाद टीम उसे लेकर आसाम के लिए रवाना हो गई। इस संबंध में पूछने पर एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि धनजीत सिंह के खिलाफ आसाम सीबीआई में वर्ष 1996 में मामला दर्ज था। टीम काफ़ी लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी और इसकी गिरफ्तारी को लेकर सुराग जुटा रही थी। सोमवार को जिला पुलिस से उसने सहयोग मांगा, तब स्थानीय पुलिस को भनक लगी। एसपी के आदेश पर वहां सिमरी के थानाध्यक्ष सुनील कुमार निर्जर की मौजूदगी में छापेमारी हुई। स्थानीय पुलिस ने बताया कि जब वहां टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो आरोपी पहले टीम को चकमा देने का प्रयास किया और पूछताछ में गलत नाम बताकर भागने के फिराक में था, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई। सूत्रों से पूछने पर बताया कि धनजीत सिंह गांजा का कारोबारी है और कई राज्यों में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। फिलहाल उससे इस सिलसिले में भी पूछताछ होनी है। 26 सितंबर से शहर में वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू हो गया है। हालांकि इसकी सूचना 4 दिनों पहले ही अनुमंडल पदाधिकारी ने आमजनों के लिए जारी कर दी थी। तब उन्होंने बताया था कि नवरात्रि के पहले दिन से ही यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। अब उसका असर भी शहर में देखने को मिल रहा है। मॉडल थाना चौक पर तैनात पुलिसकर्मी लोगों को बता रहे हैं, आप एमपी हाई स्कूल रामरेखा घाट पीपी रोड के रास्ते शहर में प्रवेश करेंगे और अंदर के किसी लिंक रोड जैसे रामबाग पुस्तकालय रोड ठठेरी बाजार या यमुना चौक के रास्ते मेन रोड होते हुए वापस मॉडल थाना आ सकते हैं। आपको थोड़ी दूर जाना हो तो भी घूम कर जाना होगा। लोगों को आगाह करने के लिए वहाँ ट्रैफिक ड्यूटी में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इस आदेश के साथ दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक और जरूरी सूचना है, अब शहर में प्रवेश करने वाले बाइकर्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पिछले यात्री यानी कि जो वाहन पर जो पीछे यात्री बैठेंगे उनको भी हेलमेट पहनना होगा। हालांकि शुरुआत के दिनों में थोड़ी ढील मिलेगी, लेकिन 3-4 दिन में सख्ती और बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल यह व्यवस्था सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक के लिए होगी और वाहनों की गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटे रखने का निर्देश दिया गया है। मतलब साफ है कि सड़क खाली देखकर तेज गति से वाहन चलाते पकड़े गए तो आपका चालान कट सकता है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का चुनाव रविवार को संपन्न हो गया। इसमें अध्यक्ष पद के लिए विनोद कुमार चौबे, प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय बड़का राजपुर और अजय कुमार चौबे ने नामांकन किया, जिसमें 86 लोगों ने मतदान किया। विनोद कुमार चौबे को 42 एवं अजय चौबे को 27 मत प्राप्त हुए, जिसमें विनोद कुमार चौबे अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। सचिव पद के लिए शंकर प्रसाद का चयन हुआ। रंजन कुमार व बलिराम कुमार उपाध्यक्ष बने हैं। राम प्रताप मिश्र, श्याम नारायण ठाकुर, संजय कुमार संतोष और राज नारायण ठाकुर को संयुक्त सचिव बनाया गया है। संजय कुमार को अध्यक्ष बनाए गए हैं। कृष्ण कुमार ओझा अध्यक्ष मूल्यांकन परिषद, अखिलेश कुमार दुबे, अशोक कुमार को भी संगठन का सदस्य बनाया गया है। स्टेशन पर सर छुपाने पहुंची शादीशुदा महिला के साथ रविवार को अनहोनी हुई। दर्द से परेशान युवती को जब कुछ युवकों ने देखा तो उसे रविवार को शाम अस्पताल पहुंचा दिया। हालांकि ऐसा करने वाले युवक पुलिसिया पचड़े के डर से अस्पताल पहुंचाकर खिसक गए। उसे महिला वार्ड में उपचार के लिए भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर ने उपचार के दौरान पाया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है जो घिनौनी हरकत की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं रेल पुलिस इस मामले से पल्ला झाड़ रही है। सूत्रों ने बताया युवती औद्योगिक थाना क्षेत्र के किसी गाँव की रहने वाली बताई जाती है, जो कुछ दिनों से स्टेशन पर वक्त गुजार रही थी, ऐसा पता चला है। हालांकि जब तक पुलिस पूछताछ कर घटना के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं करती, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि अभी 2 दिन पहले एक विक्षिप्त महिला के साथ पहले हैवानियत, फिर उसके साथ गर्भवती होने की खबर जो मीडिया में आई थी, वह भी स्टेशन से ही जुड़ी है। जाहिर है स्टेशन पर जो हो रहा है वह शर्मनाक है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल है।